रीढ़ की हड्डी का जो मणके हैं वो बैठ चुके हैं, आपको कोई भी दवाई काम नहीं कर रही, तो फिर कृपया इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों आज एक बहुत बढ़िया नुस्खा, सीने का राज जो पुराने वैद्य हैं उनकी एक विरासत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लोग कमर की दर्द से परेशान हैं, कुर्सी पे बैठ गए हैं, नीचे का धड़का जो लकवा हो गया है, स्पाइनल कोर की जितनी भी प्रॉब्लम है, सभी के लिए रामबाण काम करता है। बहुत बढ़िया मेरे पास हमेशा बना रहता है। आज मैं इसको बना रहा हूँ तो इसकी वीडियो बना रहा हूँ जी। दोस्तों तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगा शाख, शाखे मुरझाम या फिर परवाल। तो आज का जो नुस्खा है ये ख़ास तौर पे जिनके पट्ठे कमज़ोर हो चुके हैं, पट्ठों में खिंचाव आ चुका है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ गई है, सर्वाइकल की वजह से चक्कर आ रहे हैं, या स्पाइनल कोर की कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्क की कोई प्रॉब्लम है, बैक पेन है, जो लोग डिस्क के कारण व्हील चेयर पर आ गए हैं, जो चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हो चुके हैं, बिस्तर पर लेट चुके हैं, लैट्रिन बाथरूम का पता नहीं चलता, बीच में अपने आप टॉयलेट निकल जाती है या बाथरूम अपने आप निकल जाता है, बिल्कुल जो बिस्तर पकड़ चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत ही कामयाब है। तो आपको ये बकरे की मिख लेनी है, कम से कम 100-150 ग्राम जितनी आपको मिल जाए। उसके बाद ये मूंगा है, परवाल शाखें मुरझान, परवाल की जो शाखें हैं, शाख मूंगा जिसको बोलते हैं, ये वो है। मेरे एक हाथ में कैमरा है दोस्तों, मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाऊंगा। चलो मैं ये शाख मूंगा इसके अंदर संपुट बनाया हुआ था, मैंने पहले ही सुखा के रख लिया था। तो इसके आदि नीचे मिख रखेंगे, आदि ऊपर, और इसको अच्छे से गिले हिकमत करके कम से कम इसको 20 से 25 किलो की एक आग देंगे, जिसमें ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेद बनता है। तो इसकी जो मात्रा है वो 1 से 1.5 रती या 2 रती तक दूध के साथ दी जाती है। तो जितनी मर्जी आपकी स्पाइनल कोर्ड की प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर कहते हैं कि ये ऑपरेट होगा, आपको जो नीचे के जो धड़का लकवा हो गया है, नीचे स्पाइनल कोर की वजह से जो नीचे के जो नीचे का हिस्सा है वो सुन्न पड़ गया है, जिसके कारण आपको लैट्रिन बाथरूम का कोई पता नहीं चलता, या नीचे का जो धड़ है आपके वश में नहीं है, तो वहाँ पे ये नुस्खा बहुत बढ़िया काम करता है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि इसको बनाकर इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपने ये बना लिया तो आपका कोई भी जो स्पाइनल का जो मसला है वो नहीं रहेगा, ये मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ। इस तरह देखिए, मैंने ये 20 किलो उपलों में इसको आग दे दी है, ये 10 किलो उपल हमने तोल के इसके छोटे छोटे टुकड़े करके नीचे रख दिए, उसके ऊपर हमारा ये संपुट जो है शाखे मुरझान वाला ये रखेंगे, और उसके बाद इसको हम आग देंगे। मैं इसको अपने छत के ऊपर ही बनाता हूँ, और ये देखें मैंने ये ड्रम जो है, ये बड़ा जो ड्रम होता है तेल वाला या मुगलेल वाला, वो इस्तेमाल करता हूँ। इसमें बहुत बढ़िया बिना हवा के और बहुत बढ़िया इसका जो खड्डे की भी ज़रूरत नहीं रहती, बहुत बढ़िया आग इसके अंदर आती है। तो आप भी अगर ड्रम आपके पास, अगर कच्ची ज़मीन है तो वहाँ पे खड्डा खोद के इसको आग दें, नहीं है तो ऐसा है कोई ड्रम का इस्तेमाल कर लें। तो इसको बटके की आग चाहिए, जान के इसको खुल, जो नीचे से एक खोल बना रखा है उसको भी मैंने खोल देता हूँ, नीचे से इसको आग लग मतलब हवा मिलती रहे, तो बढ़िया इसको आग, खूब अच्छी आग मिलनी चाहिए। तो ये देखिए इसको हमने संपुट में रख के इसके ऊपर ये बाकी के उपले देकर इसको मैं अभी आग लगाने जा रहा हूँ, आग दूंगा इसको। तो ये देखिए इसको आग देने के बाद ये मैं आपको बाद में पूरा दिखाऊंगा अभी कि कैसी ये निकली है, और इसकी पूरी डिटेल जो मैंने आपको बता दी है। अगर आपने इस तरह से इसको बना लिया तो आपको हड्डियों की और नुस्खा, कोई और दवाई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा है मेरा। अगर आप इसको बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कराएं। अगर आपके पास आपके कोई रिश्तेदारी में या कोई आपका चाहने वाला कोई भी रीढ़ की हड्डी से परेशान है, दर्दों से परेशान है, कमर दर्द से, या फिर कैल्शियम की कमी से, या कोई और
जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द है, वहाँ पे ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो दोस्तों इसको ज़रूर बनाएं एक बार और इसका फीडबैक मेरे को व्हाट्सएप पे ज़रूर दें। व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पे ज़रूर इसका दिया करें ताकि पता चले कि आप मेरे नुस्खे बनाते भी हैं जहाँ फिर मैं फिर मेरी जो मेहनत है वे अर्थ है। तो ये देखिए अभी इसको आधा पौना घंटा हो चुका है, इसको आग ऐसी भड़के की आग चाहिए, आम छोटी आग से ये नहीं बनता। दूसरी तरफ मैं वो बना रहा हूँ अपना वंग बसम, तो ये अभी सुबह मैं इसको निकाल रहा हूँ। ये देखिए संपूर्ण हमारा पूरी तरह पक चुका है, मिट्टी का जो कलर है वो भी रेड हो चुका है। तो वहाँ पे मैंने नीचे ये पहले यहाँ से वंग निकाली थी, अभी इसके ऊपर मैं ये संपूर्ण को खोलने जा रहा हूँ। तो इसके जो बनेगी हमारी शाखें मुरझान बिल्कुल वाइट, बिल्कुल दूध के जैसी वाइट निकलेगी। तो इसकी जो मात्रा है वो मैंने आपको बता दी है, ये दो रत्ती तक इसकी जो मकदार है वो देनी है। थोड़ी सी मिट्टी इसके अंदर गिर गई, ये देखें बाकी सारी देखें बिल्कुल सफ़ेद लट्ठे की तरह ये मिल गई है, पूरा कुश्ता है। हाथ लगाने से भी ये मान के चलो आपकी नसों के अंदर आपके जो सॉरी रेखाएँ हैं वहाँ पहुँच जाती है, इतनी बड़ी कुश्ता ये होता है। इसको कम से कम दो घंटे आधा घंटा इसको खरल कर लें, पर ये तैयार हो गई आपकी दवाई। बस इसको तैयारी है, इसकी मकदार आप कैप्सूल में भर के दो रत्ती तक पेशेंट को खिला सकते हैं। तो ये देखें ये पूरी तरह अभी मैंने इसको मुसफ़ा कर लिया, इसके अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी सी वो निकाल दिए। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें।